मैं हूं प्रभजोत कौर और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। बॉलीवुड के शानदार कलाकारों में से एक विनोद खन्ना इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। उनकी सोलो फिल्मों के अलावा उनकी कई फिल्मों में उनके साथ नजर आए एक्टर फिरोज खान का निधन भी 27 अप्रैल को ही हुआ था। फिरोज खान और विनोद खन्ना फिल्म दयावान, कुर्बानी और शंकी शंभू में साथ नजर आए थे। साल 1980 में आई फिल्म कुर्बानी ने विनोद खन्ना के खाते में एक और फिल्म ला दी थी। इस फिल्म में फिरोज खान निर्माता, निर्देशक और एक्टर तीनों भूमिका में थे। इस फिल्म के बाद फिरोज खान और विनोद खन्ना की काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। विनोद खन्ना की तरह फिरोज खान का निधन भी 27 अप्रैल को ही हुआ था। फिरोज ने सन 2009 में दुनिया को अलविदा कहा था। 1968 में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाले विनोद खन्ना ने 140 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। खबरों की माने तो विनोद खन्ना को ब्लैडर कैंसर था। जब विनोद खन्ना अस्पताल में थे तब उनके बेटे राहुल खन्ना ने बताया था कि उनके डैड बिल्कुल स्वस्थ हैं और उन्हें जल्द ही अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। विनोद खन्ना का जन्म 7 अक्टूबर 1946 में पेशावर पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन विभाजन के बाद इनका परिवार मुंबई आकर बस गया था। इनके पिता कृष्णचंद खन्ना भी एक बिजनेसमैन रहे हैं और माता कमला खन्ना एक हाउसवाइफ रही हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बॉलीवुड और टेलीविजन की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।